जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सबों के इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई और आप लोगों ने जो पूरे एक साल मेहनत किया और जो मेहनत करके आप लोगों ने एग्जाम दिया है, अब उस एग्जाम का परिणाम आपका आने वाला है। और आज 1 बजे के बाद, समझ लीजिए कि 1 और 2 के बीच में जो है ना, आप लोग का परिणाम जारी होने वाला है इंटर का। तो आप सभी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक भी हैं और आपके मन में ये भी चल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। ये चीज़ हम खुद भी फील कर सकते हैं क्योंकि जब हम लोग का वक्त था, जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता था। खैर आज तो आप लोग के हाथों हाथ मोबाइल है, हर लोग अपने अपने रिजल्ट को खुद से चेक कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय वैसा नहीं हुआ करता था। हम लोग को लाइने में खड़ा होने होता था, मतलब एकदम साइबर कैप में जाना है अपना रोल नंबर रोल कोड लेके या फिर अपना एडमिट कार्ड लेके और वहाँ जाकर लाइन लगना पड़ता था। फिर जो है वो टाइप करके, जैसे ही आपका बॉडी धीरे धीरे आता था वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज़ होती जाती थी और जब आपका रोल नंबर रोल कोड टाइप किया जाता था तो लगता था कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हाँ, और जब फाइनली रिजल्ट आता था तो यदि बेहतर आया तब तो फिर मज़ा ही आता था, एक अलग ही खुशी होती थी, खुशी से लोग उछल पड़ते थे। जिनका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता था वो लोग मायूस हो जाते थे, रोने लगते थे। तो अब इस तरह का सिचुएशन आ गया है। खैर आप लोग के बीच में अब ऐसा नहीं रह गया है, सबके हाथों हाथ मोबाइल है और सब लोग जो है ना अपने से खुद से रिजल्ट चेक कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, रिजल्ट आने वाला है तो आप सबों को इससे पहले ही ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी बहुत बेहतर अंकों से पास करें, ठीक है ना, और अपने जीवन में बहुत आगे तक जाए। यदि आपके आसपास कोई भी बच्चे जो 2024-25 के लिए अब तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स का और यदि वो चाहते हैं कि मैथमेटिक्स की बेहतर तैयारी करे, ठीक है ना, तो उन्हें आप एक बार ज़रूर जानकारी दीजिएगा कि हर रोज़ शाम में जो है ना उनका क्लास YouTube पर फ्री में लिया जा रहा है मैथमेटिक्स का, और उसके साथ यदि वो पेड कोर्स में जुड़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी उसकी व्यवस्था की गई है, जिसके लिए हमारा एक नंबर है 6200-1225 और 28। इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं या फिर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं आप अपने कोर्स के बारे में, ठीक है ना। बाद बाकी फ्री क्लास भी YouTube पर चल रहा है, जिनको उसमें जुड़कर अपनी तैयारी करना है कर सकते हैं वहाँ से। आइए, ये वीडियो जो आपका है ना इसलिए हम बना रहे हैं कि आज आप लोग जब रिजल्ट चेक करेंगे तो हम ऐसे 1 बजे जो है ना, 1 बजे या 1:30 बजे कह लीजिए, 1 बजे ही मान लीजिए, 1 बजे जो है ना हम आपके बीच लाइव होंगे आपका रिजल्ट चेक करने के लिए, ठीक है ना। 1 बजे हम आपके बीच लाइव होंगे आपका रिजल्ट चेक करने के लिए। तो यदि आप हमारे साथ जुड़कर रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है ना क्या करना है कि पहले से ही अपने रोल नंबर और रोल कोड को जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा ताकि आपका रोल नंबर रोल कोड पहले से रहेगा। जैसे ही यहाँ पर लिंक ओपन होगा आपका रिजल्ट हम चेक करके आपको बता देंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये होगा कि जब हम लाइव होंगे उस समय भी आप कमेंट बॉक्स में जब लिखेंगे अपने रोल नंबर रोल कोड को तो उस समय भी आपका रोल नंबर रोल कोड डालकर यहाँ पर हम रिजल्ट चेक कर देंगे। और ये भी बात बता दें कि सबसे पहले रिजल्ट आपको हम चेक करके बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हमने पूरा का पूरा जो है ना एकदम सिस्टम तैयार करके रख लिया है कि सबसे पहले रिजल्ट कैसे चेक करना है बच्चों को और सबसे पहले आपको रिजल्ट यहाँ बताया जाएगा। हम आप लोग को भी कुछ हिंट्स दे देते हैं कि सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि खुद से रिजल्ट चेक कर पाएँ तो आप भी चेक कर सकते हैं खुद से रिजल्ट, ठीक है। हाँ, यदि आपका बेहतर इंटरनेट काम करेगा तब, क्योंकि उस समय क्या होता है कि एक ही बार बहुत सारे यूजर जो है ना उस पर जुड़ जाते हैं और वैसे कंडीशन में जो है ना इंटरनेट नहीं काम करता है या फिर वैसे कंडीशन में जो है सर्वर क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो कुछ भी हो जाएगा, सर्वर भी यदि क्रैश हो जाएगा उसके बावजूद भी हम आपको रिजल्ट चेक करके बता देंगे, क्योंकि हमने एक टेक्निक हमारे पास है, ठीक है, जो हम अभी बिल्कुल सेव करके रखे हैं और आप लोग को अभी बताएंगे भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता देंगे कि आप लोग रिजल्ट कैसे चेक कर पाएंगे आसानी से। आइए देखिए, हाँ, और वो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा जो है ना देख लेंगे, निश्चित रूप से आप लोग भी समझ जाइएगा आसानी से। देखिए, इंटर रिजल्ट को कैसे चेक करें सबसे पहले और सबसे फास्ट, इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमने कुछ यहाँ पर अभी आपको जो है ना सर्च करने के लिए बताया है कि आप ये सर्च करेंगे, ये सब आपको सर्च करना है। ये सबसे पॉपुलर में से आता है biharboardresult.com। यदि आप सर्च करेंगे biharboardresult.com, अभी हम आपको सर्च करके भी दिखाएंगे, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, पहले हम आपको पूरा बता देते हैं। जब आप biharboardresult.com सर्च करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा आपका इंटर रिजल्ट 2024 ऊपर में, जैसा कि अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाकर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, जैसे ही वहाँ पर जाकर आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका जो है ना रोल नंबर रोल कोड वगैरह मांगेगा, आप उसमें जब डालिएगा रोल नंबर रोल कोड तो फिर आपका जो है ना
रिजल्ट बता देगा, या फिर आप बिहार बोर्ड ऑनलाइन रिजल्ट डॉट कॉम भी सर्च कर सकते हैं जाकर गूगल में, ठीक है ना, जो आपका गूगल क्रोम है उसमें जाकर आप ये भी सर्च करते हैं, गूगल क्रोम में कर लीजिए, फॉक्स फायर में कर लीजिए, ओपेरा मिनी में कर लीजिए, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं वहाँ पर ये सब सर्च करेंगे, ठीक है ना। या फिर सबसे पॉपुलर आपका ये है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, लगभग बहुत सारा रिजल्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जाकर सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर, जो अभी आपको देखने को भी मिल सकता है जब हम आपको भी चेक करके दिखाएंगे। तो ये सारे वेबसाइट को आप एक बार लिख लीजिए, ठीक है ना, ये सब आपके काम का है। या तो सरकारी एग्जाम डॉट कॉम आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, सरकारी एग्जाम डॉट कॉम सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो है रिजल्ट दिखाया जाएगा। फिर या इंटर रिजल्ट 2024 यदि आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है ना रिजल्ट दिखा दिया जाएगा। इन सबसे हटकर यदि आप ये चाहते हैं ना, पहले हम आपको सर्च करके दिखाते हैं, रुक जाइएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आएंगे अपने गूगल फ़ोन के आप अपने आइएगा फ़ोन के गूगल क्रोम में, ठीक है ना, और वहाँ जाकर जो है ना आपको इसमें सर्च करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे जो आपको यहाँ दिख रहा है। इसमें क्या करना है आपको, सरकारी रिजल्ट जब सर्च कीजिएगा तो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम सरकारी रिजल्ट आ जाएगा ये, ठीक है ना, ऑनलाइन लेटेस्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ जाकर जो है ना आपको कहाँ जाना है, एग्जाम रिजल्ट में। तो जैसे ही आप एग्जाम रिजल्ट में जाइएगा तो यहाँ से ऐसा इंटरफेस इसका खुलेगा, ठीक है ना, एग्जाम रिजल्ट में जाइएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा। देखिए, अब सबसे ऊपर में ही आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2024, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2024, दो जगह आपको दिख रहा है, एक ऊपर में और एक नीचे में। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है। देखिएगा, जब आप सर्च करेंगे यहाँ पर इस तरीके का खुल कर आएगा आपका इंटरफेस। देखिए, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा और आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड क्लास 12th इंटर रिजल्ट लिंक एक्टिवेट 23/3/2024 मतलब 1:30 में यहाँ पर आपका जो है लिंक खुलेगा। ये जो लिंक आपको दिख रहा है ये 1:30 लिंक खुलेगा और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको आपका रिजल्ट दिखा दिया जाएगा। समझ में आ गया, एक बार फिर से आप अच्छा से देख लीजिए, सरकारी रिजल्ट पर जाना है आपको, ठीक है ना। जब आप सरकारी रिजल्ट में जाएंगे तो इस तरीके से आप रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, इसको हटा दीजिए। देखिए, सरकारी रिजल्ट को जैसे ही आप खोलेंगे तो उसके बाद आएगा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2024 या फिर BACB बिहार बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2024। इस पर भी क्लिक करेंगे तो मुझे लगता है कि आप वहीं पर चले जाएंगे निश्चित रूप से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हाँ, फिर से देखिए, यहीं पर आप आ जाएंगे और आपको यहाँ दिख रहा होगा, फिर से देखिए वही चीज़ कि डाउनलोड क्लास 12th रिजल्ट लिंक एक्टिवेट टूडे एट 1:30 PM मतलब 1:30 आपका जो है ना ये खुलेगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे आसानी से। एक तो आप सरकारी रिजल्ट पर आप सर्च कर लीजिएगा तो वहीं से आपको रिजल्ट आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप वहाँ से आप अपना रिजल्ट आसानी से देख पाएंगे, ठीक है ना। बाद बाकी यदि आप वहाँ से रिजल्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे 1:30 हम लाइव होंगे आपके बीच और वहाँ पर जो है ना हम आपको आपका रिजल्ट चेक करके बताएंगे निश्चित रूप से। सबसे पहले जैसे ही लिंक खुलेगा तो सबसे पहले आपको रिजल्ट चेक करके हम बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से फिर 1:30 और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।